नमस्कार दोस्तों, बी आर क्रिएटिव चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एडिट मेनू में जाके क्लियर, चेक स्पेलिंग, फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें एक इमेज चाहिए उसके लिए, तो इसको हम ड्रैग करके यहाँ पे फोटोशॉप में इस पर छोड़ देते हैं। जब इस पर हम यहाँ पे लेके आते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, एडिट में जाना है एंड क्लियर करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिलेक्शन, यहाँ पे सिलेक्शन टूल है, हम कोई से भी सिलेक्शन कर सकते हैं, यहाँ से पेन टूल से भी कर सकते हैं, मार्केट टूल एंड कोई से भी सिलेक्शन से कर सकते हैं। मान लीजिए इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करते हैं एंड इसको हम जाते हैं एडिट में। यहाँ पे आप देखेंगे क्लियर, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्लियर का मतलब ये है कि वहाँ से बिल्कुल साफ हो जाना, ठीक है। अगर हम उसको यहाँ से आप डिलीट करते हैं या कट करते हैं, कॉपी कॉपी करते हैं, इसको अंडू करता हूँ, कंट्रोल जेड, एंड उसके बाद हम इसको करते हैं कट। इसको अगर कट करता हूँ तो यहाँ से वहाँ से हट तो जाएगा, लेकिन हम इसको अगर पेस्ट करेंगे दोबारा से आ जाएगा। कंट्रोल अंडू करेंगे, फिर से अंडू करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे एडिट में क्लियर, यहाँ से ये पूरा क्लियर हो गया है, ठीक है, वहां से हट गया है, पूरा हट गया है। अब वो जो हमारे जो बैकग्राउंड कलर है व्हाइट, यहाँ से देखेंगे हमारा ये ग्रे कलर है, ये ग्रे कलर आ जाएगा, ठीक है, वहां से हटा देगा पूरा। तो क्लियर का मतलब है कि हम वहां से पूरा जो भी है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी है, तो उसको हटा देगा, बिल्कुल साफ कर देगा, ठीक है। और इससे पहले वीडियो हमने यहाँ पे कट पेस्ट एंड कॉपी कॉपी मर्ज पेस्ट स्पेशल पेस्ट, ठीक है, इसमें एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसमें जरूर जाके देखें। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा क्लियर का मतलब है पूरा साफ कर देना, ठीक है, वहाँ से बिल्कुल हट जाएगा, कुछ भी है तो वहाँ से वो साफ हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको कंट्रोल डी सिलेक्शन हटा देते हैं और इसको फिर से मैं कर देता हूँ अंडू, ठीक है। उसके बाद हम आते, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से नो, ठीक है। इस पे हम आएंगे एडिट पे और चेक स्पेलिंग, यहाँ पे देखेंगे चेक स्पेलिंग। इसके लिए हम क्या करना है, मान लीजिए हम इसको मैं करता हूँ यहाँ से ट्रैक, इस इमेज को यहाँ से कर देता हूँ ट्रैक यहाँ पे और यहाँ पे छोड़ देता हूँ। अब इस पे हमें टेक्स्ट लिखना है एंड इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट में जाएंगे और मान लीजिए हमें कहाँ तक लिखना है, यहाँ से यहाँ तक चाहिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और उसके लिए हमें टेक्स्ट चाहिए, तो टेक्स्ट पहले से मैं कॉपी, यहाँ पे कुछ है तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद इस पे जाके यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही छोटा साइज है एंड इसको हम साइज यहाँ पे कर देता हूँ 24, ठीक है, हम इसको करेंगे सिलेक्ट, ठीक है। अगर बिना सिलेक्ट करे आप करेंगे तो ये साइज बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। अगर पूरा सिलेक्ट करके आप करेंगे तो वो साइज देखें ये, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा और कर देता हूँ, साइज और बड़ा कर देता हूँ इसमें 36, ठीक है, राइट। तो इसमें हमें क्या करना है, मान लीजिए हमें स्पेलिंग चेक करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है इस पे, ठीक है, इस पे गए और उसके बाद हम गए एडिट पे, ठीक है, स्पेलिंग चेक इस पे जाएंगे हम, ठीक है। सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, देखिए, ठीक है, इसको जो हमारा टेक्स्ट है इसमें मान लीजिए इस पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, मान लीजिए हमें कुछ जो सी है, क्रिएटिव है, क्रिएटिव डिज़ाइन को हम से यहाँ से ई को हम क्या करते ई को यहाँ से हटा देता हूँ एंड ओ कर देता हूँ, ठीक है। आप ध्यान रखें कि हम किसको क्या गलत करते हैं, यहाँ आर है, यहाँ पे आर के सामने हम कर देता हूँ एल, ठीक है, एंड यहाँ से हम कर देंगे, यहाँ से यहाँ कर देता हूँ एन, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, अब इस पे जाएंगे एडिट पे और चेक स्पेलिंग इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा क्या गलती है, ठीक है, हमने क्या गलती की, यहाँ पे देखें हमने नॉट इन डिक्शनरी, डिक्शनरी में आपका जो भी है यहाँ पे डिक्शनरी में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। उसके बाद आता है यहाँ पे चेंज टू, अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये चेंज कर सकते हैं, इसकी जगह आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं। और सजेशन में आप सजेशन में देख सकते हैं आप क्या क्या लिख सकते हैं उसकी जगह, ठीक है, ये तो आप लिख नहीं सकते, यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको इग्नोर करता हूँ, ठीक है,
ये हमारा एक स्पेलिंग यहाँ से हमने देख लिया है। यहाँ पे अगर फिर हम यहाँ पे स्पेलिंग फिर से जाएंगे एडिट पे, चेक स्पेलिंग, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे हम इस पे अगर इसको सिलेक्ट किया तो हमारा ये यहाँ पे आ गया है। अब इसकी जगह हम क्या यहाँ पे सजेशन में दे रखे हैं कि आप यहाँ से इसको यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे चेंज करते चेंज यहाँ पे चेंज करेंगे, ठीक है, यहाँ से चेंज अगर करना चाहते तो यहाँ पे आप ई लिख दे, वहाँ से देख के लिख दे, ठीक है, यहाँ से ई लिख दे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या वहाँ से चेंज किया है, ठीक है, हमने क्या चेंज किया था, हमने अगर अगर फिर से हम एडिट पे जाएंगे, चेक स्पेलिंग, यहाँ पे देखें वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा, ठीक है, यहाँ पे करेंगे, यहाँ अगर मान लीजिए इसको चेंज करना है और इसको हमें क्या करना, ओके कर दे, यहाँ पे चेंज, यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिक ये चेंज हो गया है, ठीक है। आपको ये इसको चेंज करना है, मान लीजिए ये गलत है, यहाँ पे चेंज करना है, आपको क्या करना है, इसकी इसकी जगह आपने जैसे हमने वहाँ पे, ठीक है, हमने सजेशन में ऐसा कुछ आ रहा है कि आप उसकी जगह एनी लिख सकते हैं, तो एनी पे यहाँ पे क्लिक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, चेंज करना, आप जैसे चेंज करेंगे यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे चेंज हो गया है। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ, अगर बी आर क्रिएटिव चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एडिट में और उसके हमारा फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ एंड फिर से एक बॉक्स बना लेता हूँ टेक्स्ट, उसमें क्या करता हूँ इसी को कॉपी कर लेता हूँ, आई एम सेकेंड को इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट, पेस्ट कर लिया, इस पे जाना है एंड यहाँ पे एडिट पे जाना है, फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। इसमें क्या है, फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट में आप कोई एक पर्टिकुलर टेक्स्ट ले ले, जैसे हैव है यहाँ पे, इस अगर कई बार आ रहा है यहाँ पे, तीन चार बार आ रहा है, अगर उसी टेक्स्ट को सब जगह एक बार में आपको चेंज करना है तो आप एक बार में चेंज कर सकते हैं, आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, सब में जाके चेंज नहीं करना है, आपको एक बार चेंज कर लेंगे, ठीक, सब में हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे बी है, इसको चेंज करना है, यहाँ पे एक दो दो बार है, यहाँ पे जाना है एडिट पे, फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट, मान लीजिए आपको क्या करना है, फाइंड करना है यहाँ पे बी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, इसको अगर चेंज करना है आपको तो यहाँ पे क्रिएटिव लिखे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जितना यहाँ पे है बी लिखा हुआ है, जहां जहां भी वहां पे चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, चेंज ऑल, यहाँ पे क्रिएटिव लिख दिया, यहाँ पे क्रिएटिव लिख दिया, चेंज ऑल, आप देखेंगे जहां भी बी है एंड ओके, टू टैक्स हमारे पास यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है, ठीक है, उससे पहले जो भी है जहां भी था वो चेंज हो चुका है। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा, फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाके आपको क्या समझ में नहीं आया वहां पे जाके कमेंट में कमेंट करना है कि हम मुझे ये समझ में नहीं आया, तो उसके लिए अलग से आपको या वीडियो बनाएंगे या आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो आपने अगर ये बी आर क्रिएटिव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बी आर क्रिएटिव चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड टेक केयर।